वी आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेन्स. तो अभी तक हमने फर्स्ट प्रिपरेशन की, दैट इज फ्रॉम अरेन्स. कैसे करते हैं अरेन्स? अरेन्स से सिंपली हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर. नाउ ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भी हमारे सिलेबस में है, एमाइन्स में, इसलिए वहां पर इसकी प्रॉपर्टी होगी. वहां पर भी दोबारा से करना है हमने. फर्क है वहां प्रॉपर्टीज, यहाँ इससे प्रिपरेशन हमने करनी है. फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन भी. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लोरोबेंजीन भी, ब्रोमोबेंजीन भी, आयोडोबेंजीन भी एंड इवन फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं. दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन के लिए एक एक करके हम करेंगे. पार्ट ए, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. क्योंकि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाने का तरीका सेम है, तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और बनाएंगे एंड ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन के लिए प्रिपरेशन है. किससे प्रिपेयर करना है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, राइट? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से प्रिपरेशन करना है. लेकिन पहले हम कर रहे हैं कि हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना. और याद रहे, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए, इसको नंबर वन मान लीजिए यहां पर फर्स्ट. अब इसमें दो मेथड्स है. देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमने बनाना है हेलोअरीन, लेकिन हमारे पास चार हेलोअरीन है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोराइड. क्लोरो एंड ब्रोमो हम बनाएंगे एक ही तरीके से, सेम मेथड है दोनों के लिए. और इसमें दो तरीकों से बना सकते हैं. एक तरीका है, उसको बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन. सो और एक नाम वाली रिएक्शन. अगर हम नाम वाली रिएक्शंस की बात करें, अभी तक हमने चार पांच नाम वाली रिएक्शन की. पहले किया था हमने होन्सडिकर रिएक्शन, फिनकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन. फिर कराया मैंने वुड्स रिएक्शन, उसमें अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी में. और आज हम कर रहे हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में देखो होता क्या है, वो मैं लिखूंगा पहले रिएक्शन, फिर हम ऊपर लिखेंगे. इसमें हम क्या कर, पहले पता होना चाहिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर है. देखो बेंजीन, ध्यान से सुनिएगा, इस पर N2+ डॉट Cl नेगेटिव, ये साल्ट है, जैसे NaCl है, Na और Cl, ऐसे ही बेंजीन के साथ N2+ और Cl नेगेटिव साल्ट. अब देखो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, इट्स लाइक दिस. सिर्फ समझने के लिए, बेंजीन रिंग N. एक्चुअली क्या होता है ये आपको ऐसे समझ आएगा, मैं बाद में बताऊंगा. अभी अगर मेरे पास NH4Cl होगा स्ट्रक्चर, NH4+ ऐसे होता है, NH4 ऐसे, और बाहर से उसके Cl नेगेटिव, यही होगा अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर. उसमें क्या होता है, अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है H के साथ, बनता है अमोनियम और क्लोराइड आ जाएगा. अमोनियम नॉर्मली तीन बॉन्ड बनाता है, तीन एच के साथ, लेकिन उस पर एक लोन पेयर होता है, वो एच प्लस के साथ जब बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तभी ये पॉजिटिव चार्ज आती है. सो तीन सिंपल बॉन्ड्स, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये मुझे डिटेल में बताना है व्हेन वी विल डू दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्वेश्चन. ये साल्ट, अब ध्यान सुनो. अब तीन कितने एच है, एक एच NH4, दो एच और तीन एच, ठीक है ना. अब क्या करेंगे हम, तीन एच की जगह, तीन एच जो है अमोनियम क्लोराइड में जो है, एक एच की जगह अमोनियम में फिनाइल ग्रुप डाल दो. देखो बेटा, ये एच है, इसकी जगह में फिनाइल ग्रुप डालता हूं, मतलब फिनाइल मतलब एक कार्बन, क्योंकि जब बॉन्ड बनाएगा बेंजीन रिंग में से डिफिशिएंट इन वन हाइड्रोजन होगा फिनाइल. फिर बचे तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन को नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तीन हाइड्रोजन की जगह एक नाइट्रोजन आ सकता है. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं, इट स्ट्रक्चर लाइक दिस.
क्योंकि अमोनियम क्लोराइड से इसको हम ड्राइव करते हैं, अमोनियम में से एक एच की जगह बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप, क्योंकि सी सिक्स एच फाइव फिनाइल है, और फिर तीन एच की जगह एन, तो एन में दो होंगे, जैसे यहाँ पर दो है कोवेलेंट बॉन्ड, एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आगे सीखना दोबारा से, जैसे आइडिया बता रहा हूँ। एन टू सी एल, इसी को हम लिखते हैं एन टू प्लस सी एल नेगेटिव। पहले एन पर अगर साथ साथ में चार्ज होते, अगर इधर सपोज इस वाले एन पर ये पॉजिटिव चार्ज होती और यहाँ पर सी एल होता, तब तो ये चार्ज न्यूट्रल होती, सिंस ऐसा है नहीं, इस वाले में प्लस है फिर एक एटम है फिर सी एल, सो चार्ज इसलिए दिखा नहीं है, तभी मैंने एन टू प्लस सी एल नेगेटिव दिखा दिया। यह है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमें आगे करना है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, वहां पर फिर करेंगे स्ट्रक्चर जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ाऊंगा। यहाँ मैंने जस्ट आइडिया दे दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन ये है। अब हम इसको क्या करना है, ध्यान सुनो, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसको CuCl डालना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी ये रिएक्शन करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं, एरो ले लिया, CU इसे याद रहेगा, CuCl ओब्लिक HCl अगर क्लोरोबेंजीन बनाना, अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो फिर ऐसे लिखेंगे बेंजीन के ऊपर N2 plus Cl negative, क्योंकि जो ये CuCl oblique HCl है वहां का क्लोरीन आता है और वहां से का ब्रोमीन भी आएगा, राइट। तो एरो पर हम क्या लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन के लिए CuBr oblique HBr, लास्ट स्लाइड दिखाना, दिखाऊंगा अभी देख लो, ये CuCl ओब्लिक एच सी एल और सी यू बी आर ओब्लिक एच बी आर। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि इसमें यहां पर सी एल आ जाएगा, ये सी यू सी एल का सी एल आ जाता है और एन टू गैस रिलीज होता है, और जो ये सी एल नेगेटिव है, जो यहाँ पर ये सी एल नेगेटिव है, ये सोल्यूशन में चला जाता है, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा सी यू सी एल ओब्लिक एच सी एल का सोल्यूशन सी एल नेगेटिव इसमें चला जाता है, क्योंकि साल्ट है, तो बेंजीन एन टू प्लस उसके साथ इस सी यू सी एल और एच सी एल का सी एल चला जाता है। इन द सेम वे यहाँ पर देख लो बेंजीन ऐसे, तो इसमें सोल्यूशन से बी आर जाएगा, बनेगा ब्रोमो बेंजीन और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, तो यहां बना ब्रोमोबेंजीन और यहां बना क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को सैंड म्यूर्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं कहूं व्हाट इज सैंड म्यूर्स रिएक्शन, आप यही लिखना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या डालना है, हमने इसको CuCl ओब्लिक HCl और Cu Br oblique HBr डालेंगे और हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली बनेगा। अगर CuCl oblique HCl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuCl oblique HBr डालेंगे, CuBr oblique HBr डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, यही लिखेंगे इसमें। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अपॉन और रिएक्शन विद CuCl ओब्लिक HCl और CuBr ओब्लिक HBr फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली, जो चीज बनाना है उस हिसाब से, और इसको कहते हैं ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली। ये थी सैंडमेयर्स रिएक्शन।
सो इस रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कराते हैं CuCl(HCl) से या CuBr/HBr से, तो हमें बनेगा क्लोरोबेंजीन या बनेगा ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली, एंड देन यू हैव टू राइट दिस केमिकल रिएक्शंस। ये पार्ट ए था सैंडमेयर्स रिएक्शन, जिसमें हमने बनाया क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। इससे भी इजी मेथड है एक बी पार्ट, ये था ए पार्ट, अब इसी का बी पार्ट है, उसको कहते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है तो सैंडमेयर्स रिएक्शन ही, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म। देखो सैंडमेयर ने कहा कि आप CuCl बनाओ पहले और फिर HCl उसमें डालो तभी क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसने कहा पहले CuCl बनाओ फिर HCl में डाल दो, उससे बेटर है ना, इसने कहा कि उससे बेटर ये है कि आप बेंजीन ले लो उसमें कॉपर डाल दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो N2+Cl-, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसमें डालो copper/HCl, एक ही बार डालना है, अलग से CuCl बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कॉपर को जब हम HCl डालते हैं तो एक्सेस HCl डालेंगे तो CuCl ही पहले बनेगा और आधा HCl बचेगा, तो हो गई ना वही रिएक्शन, तो कोई फर्क नहीं बनेगा, बिल्कुल सेम चीजें लेकिन कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसने कहा उधर कि सैंडमेयर ने CuCl बनाओ और फिर HCl डाल लो, इसने कहा ऐसा नहीं जरूरत है, अब डायरेक्टली CuBr/HCl डाल सकते हो, दिस इज सो इजी। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, सिंपल इतना ही लिख सकते हो, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ N2+Cl-, इसको डालो, ये डॉट है, ये साल्ट है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज अ साल्ट, copper/HBr, तो CuBr ही बनेगा और HBr वहां पर एक्सेस वाला बच जाएगा, तो सेम रिएक्शन होगी लेकिन वहां पर CuCl पहले बनाना था अलग से और फिर HCl, यहां कुछ बनाने की सिर्फ copper/HBr डाल दो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और N2 गैस रिलीज होता है। सो ये भी आप लिख सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना और यहां पर ये ब्रोमोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बना और ये बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, है ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, राइट। फिर ऊपर लिखेंगे सिंपल एक लाइन, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, है तो वही मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन, is a modified form of Sandmeyer's reaction. Correct. First working the flow directly. So this was how to prepare chlorobenzene and bromobenzene from benzene diazonium chloride. Because ye second preparation hum kar rahe hain. Second preparation from benzene diazonium chloride. Uska pehla part preparation of chlorobenzene and bromobenzene. Do methods se banayenge. सैंडमेयर्स रिएक्शन से CuCl(HCl) और CuBr/HBr या गेटरमैन्स रिएक्शन से CuBr/HCl और CuBr/HBr, सेम रिएक्शन, उसमें कोई फर्क नहीं है। दिस इज फर्स्ट। नाउ पहला क्लोरोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन बना, अब हमने क्या करना है इसमें नेक्स्ट सेकंड, राइट। अब सेकंड करेंगे, ठीक है ना, सेकंड इज जस्ट अ मिनट, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ आयोडो बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो बेंजीन बनाना है उसी चीज से, आयोडोबेंजीन मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, बिल्कुल इजी विद KI, बाय हीटिंग विद, लिखो ज्यादा बेटर है, बेंजीन डाइजोनियम को हीट करते हैं KI से, इजी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया उसको KI डाला उसके साथ हीट किया आयोडोबेंजीन बन जाता है। देखो कैसे, आई एम टेकिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड,
बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl नेगेटिव, इसको Ki डाल दिया, हिट किया और हमें क्या बन जाएगा, KCl निकलता है, N2 अलग हो जाता है, ध्यान से सुनो, K और Cl निकल जाएगा, KCl, N2 भी रिलीज होगा, आई जाएगा उसकी जगह, तो बनेगा हमें आयोडोबेंजीन, KCl अलग और N2 गैस अलग। This is आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं, किसे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। Now third, formation of fluorobenzene. Preparation इतनी है इसमें हेलोअरीन में, main preparation हेलोअरीन्स की यही है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, formation of fluorobenzene. Now पहला क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन सैंडमिलर्स रिएक्शन मेन है, या आप चाहे तो आप लिख सकते हो इसमें गैटरमेंस रिएक्शन भी, देन आयोडोबेंजीन सिंपली बाय हीटिंग विद के आई, ना फ्लोरोबेंजीन। बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं बाल श्मेन रिएक्शन, बी ए एल जेड चाइमेन या चेमेन, एस एच आई ई एम ए एन एन, बाल श्मेन रिएक्शन। ये एक और सिक्स रिएक्शन है, नाम वाली रिएक्शन, ठीक है ना, इनको याद रख लीजिए, नाम वाली, होन्सडिकर रिएक्शन एक, फिनकलस्टीन रिएक्शन दूसरी, शॉर्ट्स रिएक्शन तीसरी, वर्ट्स रिएक्शन फोर्थ, फिफ्थ रिएक्शन अभी मैंने कराई यहाँ पर नाम वाली रिएक्शन सैंडमिलर्स रिएक्शन, सिक्स्थ है गैटरमैन्स रिएक्शन, सेवन्थ है बाल श्मेन रिएक्शन। इससे फ्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन कैसे बनेगा पहले मैं रिएक्शन बताऊं, फिर हम लिखेंगे ऊपर। हम ले लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको डालते हैं HBF4, याद रहे HBF4 जब डालते हैं हम, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड का नाम है ये, बोरिक एसिड का मानते हैं हम, डेरिवेटिव टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड डालते हैं। HBF4 में H प्लस है, BF4 नेगेटिव है, तो HCl निकल जाएगा, माइनस HCl में यहां लिख रहा हूं एरो पर, तो बचेगा क्या, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन और इसके साथ डायजोनियम है ये N2 प्लस, फिर Cl नेगेटिव की जगह BF4 आ जाएगा नेगेटिव और HCl निकल जाएगा। अभी तक तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था, अब बना ये, अगर मैं इसका नाम लिखूं यहां पर, ये था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बना बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट या टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब ध्यान सुनो, इसको फिर हीट करते हैं फर्दर, ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब HBF4 डाल दिया फिर हीट करना है, ये नहीं कि अलग करना है, उसी में हीट करना है, HBF4 डालने से ही हमें ये बनता है N2 plus BF4 negative। अब जब इसको हीट करते हैं, देखो बड़ा क्या क्या निकल जाता है, एक नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और BF3 अलग हो जाता है, BF3 अलग कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड और नाइट्रोजन गैस अलग। अब बाकी क्या बचा, देखो BF3 निकल गया, N2 निकल गया, एक F बचा, वो बेंजीन के ऊपर बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रोसेस में हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल श्मेन रिएक्शन, आप खुद बता सकते हो जो रिएक्शन में हुआ वो ऊपर लिखना है, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अपॉन रिएक्शन विद HBF4 फॉलोड बाय हीटिंग वी गेट फ्लोरोबेंजीन, इतना ही लिखना है। आप हम लिखेंगे इसमें इन दिस रिएक्शन, क्योंकि नाम वाली है तो इसमें लिखना चाहिए, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद HBF4 फॉलोड बाय
फॉलोड बाय हीटिंग मतलब डिकम्पोजन करते हैं फॉर्म्स फॉर्म्स फ्लोरोबेंजीन. This is Balmschmidt reaction. These are the methods of preparation of halogens. Chlorobenzene, bromobenzene, Sandmeyer's reaction and Getterman's reaction. Iodobenzene simply by heating benzene diazonium chloride with Ki and fluorobenzene, maine kaha, by Balmschmidt reaction, by reaction with HBF4 and subsequent heating, we get fluorobenzene.